नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जानवी यादव और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। थाने जिले के कल्याण ग्रामीण डोमीवली और दीवा परिसर में विभिन्न स्थानों पर टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होता है। सभी टूर्नामेंट में लाखों रुपए के पुरस्कार और आकर्षक ट्रॉफी दी जाती है, जिसे थाने जिले के बड़े बड़े क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट में सहभागिता दिखाते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस अध्यक्ष शरद चंद्र पवार के 80वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में डोंबिवली के सावला राम क्रीडा संकुल में राष्ट्रवादी की ओर से स्वर्गीय विजय दादा वंडार शेठ पाटिल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। ये टूर्नामेंट देखने के लिए थाने जिले के युवाओं की भीड़ देखी जा सकती है। थाने जिले के ग्रामीण भाग से लगभग 48 टीमों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया है। विजेताओं को पुरस्कार में नकदी के साथ मोटरसाइकिल, एलईडी टीवी आदि दी जाएगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस के स्थानीय नेता डॉक्टर वंडार पाटिल और राष्ट्रवादी कांग्रेस युवा जिला अध्यक्ष एवं आयोजक सुधीर पाटिल के साथ अनेक मान्यवर मौजूद थे। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इस तरह खबरों के लिए देखते रहे।